सदस्यों, माननीय सभापति जी, श्री सुधांशु त्रिवेदी टू रेज्यूम। महोदय, जैसा कि मैं उस विषय में बता रहा था कि इस कालखंड में जब राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में कहा कि भविष्य में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा और 21वीं सदी भारत की होगी, तो वहीं इस देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके दिमाग में गुलामी की मानसिकता अभी भी ऐसी पैबस थी कि वो अपना हर स्रोत बाहर से ढूंढते थे। जो कोई कहता था कि पश्चिम वाले अरब से आए, उत्तर वाले यूरोप से आए, पूरब वाले चीन से आए और दक्षिण वाले अफ्रीका से आए, तो मैं सिर्फ ये बता रहा था, इन तीनों जगहों का सिर्फ एक एक उदाहरण बताता हूं कि भारत का इन पे इन्फ्लुएंस था या इनका इन्फ्लुएंस भारत पे था। जो मैंने बताया कि अरब के लिए, अरब के तमाम हिस्टोरियन जिसमें इब्ने असीर, इब्ने अल खल्दूम ने लिखा है, अजीदुल इल्मीन इल बिलादुल हिंद, ये अरबिक का वर्ड है जिसका मतलब होता है कि हिंद यानी भारत से कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज एंड विजडम आती। वो भारत को मानते थे कि हमने ज्ञान यहां से सीखा है और ये कहते हम वहां से आए। यूरोप वालों के लिए बताना चाहता हूं, संस्कृत इज अ मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेज, हमने नहीं कहा, एक यूरोपियन विलियम जोन्स ने कहा जो एक अंग्रेज था और कलकत्ता हाई कोर्ट का जज था। यानी वो कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान हमसे सीखा है और ये हमको बताते हैं कि हमने उनसे सीखा है। ये गुलामी की मानसिकता है। और मैं बताना चाहता हूं हमारे विरोधियों को चाइना के बारे में एक फैक्ट है जो शायद हमारे बहुत से लोगों को ना पता हो। चाइना की संस्कृति में भारत का प्राचीन नाम जानते क्या है? मैं सभी सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, एंशियंट चाइनीज में भारत को कहते हैं टियान जाऊ, टी आई ए एन जेड एच ओ यू। कोई जाके चेक कर ले कि चाइनीज भाषा में टियान का मतलब क्या है और जाऊ का मतलब क्या है। जाऊ का मतलब होता केंद्र, जैसे हमारे यहां पुर है, नागपुर, कानपुर, जयपुर, वैसे ही वहां हुआंगझाऊ, गुआंगझाऊ होता है। और टियान का मतलब होता स्वर्ग, यानी चाइना मानता था कि इंडिया इज द सेंटर ऑफ हेवन और यह कहते हमने चीन से सीखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजियत अभी तक नहीं गई, जिसके लिए हम लोग कभी बोलते थे कि अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी। यानी अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई। इसलिए मैं इन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि इनके दिमागों में अभी भी वो गुलामी की मानसिकता भरी है कि न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है अभी तक मनो में गुलामी। वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते अभी लोग नामी ग्रामी, ये लोग उसी अंग्रेजियत के राग में फंसे हुए हैं। परंतु सभापति महोदय ने जो ये बात बताया कि भारत का एक परिवर्तन का समय आ रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने उसको किस रूप में आगे बढ़ाया है मैं ये बताना चाहता हूं। यदि भारत को विश्व का नेतृत्व करना है तो नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना होगा। हम विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता भी हैं और सबसे युवा देश भी है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आज फ्यूचर की होने वाली टेक्नोलॉजी, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होने की संभावना नहीं है। और आप देखिए कि हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस ढंग से सिस्टमेटिकली उसमें मामला आगे बढ़ा। इंटरनेट के यूजर्स 2014 में 24 करोड़ थे और अब 82 करोड़ हो गए, 3 गुनी संख्या बढ़ी है, 2023 का आंकड़ा है। फोन 1.2 बिलियन मोबाइल फोन हैंडसेट के यूजर्स हो गए हैं और 67 करोड़ स्मार्टफोन के यूजर्स हो गए हैं। एवरेज स्पीड ऑफ इंटरनेट जो इनके जमाने में 1.7 मेगाबाइट पर सेकंड होती थी, वो अब 30 मेगाबाइट पर सेकंड है। और सभापति महोदय, इतना ही पर्याप्त नहीं होता है, डाटा की स्पीड के साथ डाटा की कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। और 1 GB डाटा की कीमत इनके जमाने में 270 रुपए थी और वो अब घटकर 19 रुपए हो गई है, यानी 25 गुना कम किया है। ये जरूरी था कि भारत को अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ना है, और तब हम जाके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में 46% वर्ल्ड के हिस्से के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मोबाइल फोन के प्रोडक्शन में भी हमने लंबी छलांग मारी है,
2014 में मोबाइल हैंडसेट बनाने की केवल दो फैक्ट्रियां थी, आज 200 से अधिक फैक्ट्रियां हैं और 4,10,000 करोड़ रुपए के मोबाइल हैंडसेट आज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और जो भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले 100% भारत में कंज्यूम भी हो रहे हैं। इनोवेशन इंडेक्स में भारत 78वें स्थान से 40वें स्थान पर पहुंच गया है और पेटेंट जो 2014 में 4,000 थे आज 41,000 पेटेंट हो गए। और महोदय मैं ये बताना चाहता हूं, जब हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं तो विश्व में भी हम किस रूप से हमारी स्वीकार्यता आगे बढ़ रही है। आज सक्षम विदेश नीति के द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और यहां विदेश मंत्री जी स्वयं बैठे हुए हैं, भारत उस मुकाम तक पहुंचा है कि रशिया कहता है इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई और अमेरिका कहता है इंडिया इज अवर स्ट्रेटजिक एलाई। और यह बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, रशिया से हमने S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम लिया है जो रूस ने किसी को नहीं दिया और अमेरिका से हमने प्रीडेटर ड्रोन लिए हैं जो नाटो के बाहर उसने किसी को नहीं दिए। आप सोचिए यह सक्षम विदेश नीति क्या संभव है कि रूस और अमेरिका दोनों अपने सबसे सक्षम हथियार भारत को देने के लिए तैयार हो। और मैं एक वाक्य बताना चाहता हूं, हमारे विरोधी विदेश नीति को हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चश्मे से देखते रहते हैं और उसमें देश का नुकसान होता रहता था। कोई इसराइल जाता था तो फिलिस्तीन नहीं जाता था, फिलिस्तीन से बात करेगा तो इसराइल से बात नहीं करेगा। पर मैं एक घटना बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब फिलिस्तीन जा रहे थे तो वो जॉर्डन में रुके और जॉर्डन के शाह ने कहा कि वो उनके पर्सनल हेलीकॉप्टर में उनको भेजेंगे पैलेस्टीन। उल्लेखनीय बात यह है कि जॉर्डन के शाह हुसैन प्रॉफेट मोहम्मद की डायरेक्ट डिसेंडेंसी में है, एक ही परिवार है जो प्रॉफेट मोहम्मद की डायरेक्ट डिसेंडेंसी में है। और आप सोचिए जॉर्डन का प्लेन था हेलीकॉप्टर जा रहा था पैलेस्टीन और उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे इसराइल के फाइटर्स। आप सोचिए इसराइल और फिलिस्तीन कभी किसी एक देश के साथ अगर एक रूप में कभी हुए हो तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो या डिप्लोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों में भारत एक नए सिरे से एक नए स्वरूप में आगे बढ़ता हुआ आगे दिखाई पड़ रहा है। परंतु अफसोस की बात यह है कि हमारे जो विरोधी हैं वो इस विषय के लेकर जिस प्रकार का वातावरण इन चुनावों के दौरान दिखा उसमें भी एक विदेश का संबंध दिखा। सभापति महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत का ये चुनाव भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था जब विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने यह कहा हो कि वो $1 बिलियन खर्च करेगा मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। यह चुनाव भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था जब चुनाव भारत में हो रहा था और कांग्रेस के नेता आर्टिकल विदेश के अखबारों में लिख रहे थे। शशि थरूर जी ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा मोदी हैज टू गो। अरे भाई विदेश के अखबार में क्यों लिख रहे हो मोदी हैज टू गो? और उसके बाद भी, और ये इतिहास का पहला चुनाव था जब पाकिस्तान के एक मंत्री स्तर के व्यक्ति ने कांग्रेस और राहुल गांधी जी की भूरी भूरी प्रशंसा ही नहीं की, उनका वर्ड था फवाद चौधरी का कि बीजेपी हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे, यानी इन वर्बेटम वही था जो था। अरे क्यों नहीं आपने बोला कि आप कौन होते हैं हमारे बारे में बोलने वाले? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक बात बोली थी तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने दहाड़ कर कहा था कौन होता है पाकिस्तान का व्यक्ति 120 करोड़ देशों के हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलने वाला। मगर अफसोस आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत का ये बदलाव एक बड़ा बदलाव हो रहा है। और मगर इन चुनावों ने एक निष्कर्ष और दिया है सभापति महोदय, एक निष्कर्ष और दिया है कि कांग्रेस पार्टी को आज बड़ी उत्साह नजर आ रहा है कि वो उभर कर सामने आ गए। मगर महोदय एक बात ध्यान देने योग्य है इस चुनाव में कि जहां हमारा और कांग्रेस का मुकाबला था वहां तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, अपने सहयोगियों के कंधे पे चढ़ के बहुत कुछ प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये लोग जिस वोट बैंक के चक्कर में साथ साथ आए हैं वो एक के लिए बड़ा चिंता का सबब बनने वाला है। महोदय ये कुछ हिंदी फिल्मों की पुरानी स्टोरी की तरह है कि पुराना आशिक लौट के आ रहा है।
अगर वो पुराना इश्क जाग गया तो आप ये समझिए कि ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि वो कहते हैं, सपा कहती है मेरा कारनामा तो देख, तो कांग्रेस कहती है मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, तो उधर एक हैदराबादी हजरत है जो कहते मेरा घराना तो देख, और इस ट्राइंगल से का एक नया स्वरूप इस चुनाव में उभरता हुआ नजर आया है। मैं एक विषय और कहना चाहूंगा, इस चुनाव में चुनावी प्रक्रिया को लेकर जिस प्रकार के आक्षेप आरोप लगाए गए, आज मैं अपेक्षा करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात के लिए माफी मांगे कि उन्होंने विदेश की धरती पर जाकर कहा था कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड, उन्होंने ये कहा था कि जुडिशियल प्रोसेस समाप्त हो गया है। अब उसी डेमोक्रेसी के चलते हुए आपकी अनेक सरकारें बनी हैं और आप अपने को हार के भी जीत की बात कह रहे हैं, इसका अर्थ ये हो गया बहुत स्पष्ट रूप से कि अपने राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पर तौलकर आप देश की गरिमा को गिराने का प्रयास भविष्य में न करें। और नीट के विषय में भी एक बात कहना चाहता हूं सभापति महोदय, नीट को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील भी है और सतर्क भी है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा किसी एक भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब एनटीए के चीफ को हटा दिया गया, जांच कॉन्स्टिट्यूट हो गई, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो ये क्या अपने को सर्वोच्च न्यायालय के विजडम से ऊपर समझते हैं? यदि विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो उससे पहले इस प्रकार का वातावरण बनाना, इसका अर्थ यह हो गया कि यदि न्यायालय उस पर टिप्पणी देने जा रहा है मगर हम उससे पहले उसके ऊपर विवाद करना चाहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि महोदय, आज जो लोग बोल रहे हैं, राजस्थान में 1.5 दर्जन पेपर लीक आउट हुए थे, हमारी सरकार ने तो संवेदनशीलता की बात कही, उनके मुख्यमंत्री का एक चर्चित बयान आया था, मैं तो जादूगर हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे सब कुछ पता रहता है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि छात्रों के विषय को लेकर हमारी सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और पूरी तरीके से सतर्क है, और शिक्षा मंत्री ने भी यह बात बिल्कुल स्पष्ट की। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि राष्ट्रपति महोदया ने यह बताया कि हमारी सरकार ने क्या काम किए और अमृतकाल में आगे क्या काम करने जा रहे हैं। उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया था अपने अभिभाषण के अंतिम चरण में कि 25 वर्ष का यह अमृतकाल है, यह भारत का वो आधार बनाएगा जो आने वाले 1000 वर्ष तक भारत के भविष्य का निर्धारण करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा 10 साल का परफॉर्मेंस है, 25 साल का प्रोग्राम है और 1000 साल की दृष्टि है, और हम 10,000 साल पुराने भारत से भी प्रेरणा लेते हैं। यानी हमारी सोच चुनाव मूलक नहीं है, सभ्यता मूलक है। आवर विजन इज नॉट इलेक्टोरल, इट इज सिविलाइजेशनल। इसीलिए हम 1000 साल आगे के भारत के भी सोचते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता 20 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा, पर हम 1000 साल आगे के भारत के बारे में सोचते हैं, 25 साल के आगे के भारत के बारे में योजना बनाते हैं और हजारों साल पहले के भारत से प्रेरणा लेते हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे विरोधी चाहे जो भी कर ले, मगर सभापति महोदय, जो हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कहा था कि सब लोग आए, मैं इनसे अनुरोध करूंगा, आइए साथ में मिलिए, साथ में विचार करिए और उसके बाद एक साथ देश के विकास के लिए आगे बढ़िए। अभी जो आपको प्राप्त हुआ है इसको मंजिल समझिए नहीं, अभी हम सबको मिलकर देश के लिए बहुत आगे चलना है। और मैं अंत में एक वाक्य जरूर कहना चाहूंगा, 21वीं सदी भारत की होगी इसमें कोई संदेह नहीं है, और इस प्रकार के वाद विवाद के बावजूद होती रहेगी, इस प्रकार के वितंडावाद के बावजूद हम आगे बढ़ते रहेंगे और यह उसी विचार को लेकर आगे बढ़ेगी। राष्ट्रपति महोदया ने यह बात भी बताई कि आज दुनिया में संघर्ष, आज दुनिया में सभ्यताओं के संघर्ष की बात कही जाती है, और उस संघर्ष का समाधान कौन देगा, सिर्फ भारत से, जहां पर कि सभ्यताओं के समन्वय का आधार बनता है, और उस सभ्यताओं के समन्वय का आधार भारतीय संस्कृति और हमारे हिंदू धर्म की वह अवधारणा ही बनेगी जिससे लड़ने का संकल्प आप लेते हैं। इसलिए 21वीं सदी का भारत आगे बढ़कर उठने जा रहा है। वी आर ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। हम विश्व को दबाने के लिए नहीं, विश्व के बंधु बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उस विचार से आगे बढ़ रहे हैं जो हजारों वर्षों की हमारी प्रेरणा है।
तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह प्रसिद्ध पंक्ति हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय के आखिरी छंद को कहकर अपना विषय समाप्त करूंगा, जो ये बताएगा कि भारत किस रूप में विश्व का आगे बढ़ने वाला है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, हमने किसी को परेशान नहीं किया। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसलिए अंत में एक और कहता हूं, इसलिए आश्वस्त रहिए आप चाहे या ना चाहे, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाईली सोया हिंदुस्तान उठा। धन्यवाद।